तो रेसलिंग की दुनिया में चैंपियनशिप रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन चैंपियन कितना अच्छा अपना टाइटल रेन कर सकता है। लोग उसको बहुत सालों तक याद भी रखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है गाइस कि किसी चैंपियन को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि उसने जो चैंपियनशिप जीती थी उसको रेलिवेंट बनाया था, प्रेस्टीजियस बनाया था एक ऐसे समय पर जबकि कंपनी को काफी उस चीज की जरूरत भी थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे चैंपियंस के बारे में जिन्होंने एक टाइटल को बचाया था, यानी कि हम कह सकते हैं सेव्ड अ चैंपियनशिप। तो आखिर ये कौन है और क्या ये लिस्ट है, हम डेफिनेटली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि 10 बार जब किसी WWE सुपरस्टार ने चैंपियनशिप को बचा लिया था। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी जो टॉप 10 की प्लेलिस्ट है इसमें अब 100 से भी ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं, तो बहुत सारी कंटेंट और इंफॉर्मेशन है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं और काफी कमाल की आपको ये वीडियोस लगेंगी। तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट करें, जो लिंक है गाइस इसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है गाइस CM Punk का। आई थिंक 2011 में CM Punk WWE के बिल्कुल टॉप पे थे, अपने करियर के पीक में थे और वो समर ऑफ पंक वाली जो स्टोरी लाइन पूरी हमें देखने को मिली थी उस चीज को आई डोंट नो कि WWE उससे ज्यादा कभी टॉप कर पाई है या फिर नहीं उसके बाद, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन थी। उसके अंदर CM Punk WWE चैंपियनशिप जीते थे उस आइकॉनिक मनी इन द बैंक मैच में जॉन सीना के अगेंस्ट, और उसके बाद जबकि वो डेल रियो से हार गए थे कुछ समय बाद समर स्लैम में, उन्होंने टाइटल को वापस सर्वाइवर सीरीज में कैप्चर करा था और 434 डेज की उनकी रेन रही थी इससे पहले कि रॉक ने उनको हराया। तो उस पॉइंट पे जो WWE चैंपियनशिप की वैल्यू है इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, CM Punk जिसके साथ भी फ्यूड कर रहे थे वो मेन इवेंट बन गया था, लोग उनके अंदर इंटरेस्टेड थे, चैंपियनशिप के अंदर इंटरेस्टेड थे और डेफिनेटली इसलिए वो लिस्ट में है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है बेकी लिंच और उनकी रीसेंट रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रन। अब रेसलमेनिया 35 से पहले बेकी को इतना ज्यादा पुश करा जा रहा था कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस बात को देखने के लिए कि बेकी दोनों टाइटल जीतने वाली हैं। वो दोनों टाइटल जीती, स्मैकडाउन वाला तो उन्होंने काफी जल्दी ड्रॉप कर दिया था, लेकिन रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जो है उन्होंने काफी अच्छे तरीके से हैंडल करी। ये बात मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा कि एक पॉइंट के बाद जाके बेकी लिंच जो है थोड़ी क्रिंज हो गई थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ अब इसको हटाओ, कोई नया चैंपियन हमें देखना है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को मंडे नाइट रॉ पे संभाला वो शायद बहुत समय से कोई सुपरस्टार उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था और इस वजह से गाइस बेकी भी इस लिस्ट में है। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा पुराने समय की बात है गाइस, लेकिन यहां पे नाम आता है शॉन माइकल्स का, और ये मैं बात कर रहा हूं जब उन्होंने रेसलमेनिया 12 में ब्रेट हार्ट को एक आइकॉनिक आयरन मैन मैच में हराया था और WWE चैंपियनशिप कैप्चर कर ली थी अपने करियर में सबसे पहली बार। अब उस पॉइंट पे WWE एक ट्रांजिशन ले रही थी, तो हम कह सकते हैं कि शॉन माइकल्स एक ट्रांजिशनल चैंपियन थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस ट्रांजिशन को हैंडल करा वो बिल्कुल WWE के टॉप स्टार निकल के बाहर आए और उन्होंने उस पॉइंट पे उस रेन में प्रूव कर दिया कि भाई मैं ही हूं वो बंदा जो अब इस कंपनी को आगे लेके जाएगा। तो शॉन माइकल्स की वो रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेट हार्ट उनसे पहले काफी कमाल के चैंपियन थे, ऐसा नहीं था कि उनको हराना वहां पे जरूरी था, लेकिन शॉन माइकल्स ने दिखाया कि अगली रेसलिंग की जनरेशन क्या लेके आने वाली है और मैं उसका लीडर हूं। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आते हैं एज और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं। अब आई थिंक अगर लोग एक्चुअली में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए सोचते हैं, यानी कि वो बिग गोल्ड बेल्ट जिसको हम कहते हैं, तो एक चैंपियन दिमाग में सबके आता है और वो है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार इस टाइटल को जीत चुके हैं, और मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रेन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से एज ने इस वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को इम्प्रूव करा। जबकि उनकी ये सारी रेंज गाइस छोटी थी, उसके पीछे रीजंस थे कि वो बार बार इंजर्ड होते रहते थे और उनको अपना टाइटल ड्रॉप करना पड़ता था, लेकिन जब भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल एज के पास रहता था तो उन्होंने उसको रेलिवेंट बनाया, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि 2000s के अंदर जब मंडे नाइट रॉ बिल्कुल अपनी पीक पे थी, लोग पागल होते थे रॉ को देख के, इतना ज्यादा अच्छा वो शो चल रहा था। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को मेन टाइटल बनाना स्मैकडाउन के ऊपर, इसमें एज का एक बहुत बड़ा हाथ है और डेफिनेटली ये भी एक बड़ी बात है। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में आती है एजे ली। अब ये है डिवास चैंपियनशिप की बात और साल 2010 के आसपास की, जब एक्चुअली में WWE विमेंस डिवीजन में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, सब कुछ एक जोक बन के रह गया था और लोग सोच रहे थे कि WWE ने शायद अब विमेन को अच्छा सा बुक करना ही छोड़ दिया है। लेकिन डिवास चैंपियनशिप जब AJ Lee ने जीती
तो उन्होंने इस टाइटल को ऐसे नहीं लिया कि भाई उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है या फिर इस टाइटल की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने उस टाइटल में थोड़ा सा एटीट्यूड डाला, अपनी खुद की पर्सनैलिटी डाली और लोग उस चीज से रिलेट करना शुरू कर रहे थे। यानी कि एजे ली को लोग पसंद कर रहे थे एज अ कैरेक्टर भी, और साथ के साथ उनको एज अ डिवास चैंपियन भी वो देखना पसंद करते थे। अभी ये बात थोड़ी बेकार है कि एजे ली रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगी क्योंकि वो अब WWE में नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पे डिवास टाइटल की जो क्रेडिबिलिटी थी वो डेफिनेटली एजे की वजह से ही बड़ी थी, और इसी वजह से गाइज वो सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग डिवास चैंपियन है इन द WWE हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज अगले नाम की, तो यहाँ पे आते हैं मिज, और मैं बात कर रहा हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। अब साल 2010 के बाद हम बात करें 2015 तक, तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस कई सारे रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि यार ये एक टॉप टाइटल बन सकता है। ये वही टाइटल है जो एक पॉइंट पे WWE में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता था, लेकिन साल 2016 में मिज ने उस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया क्योंकि उन्होंने भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इस तरीके से हैंडल करा कि भाई ये ही इस शो का मेन टाइटल है और मैं क्योंकि चैंपियन हूं तो इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी। उन्होंने जो एनर्जी डाली थी अपनी उस टाइटल रेन के अंदर, जिस तरीके से वो प्रोमोस कट करते थे और बार बार बोलते थे कि ये टाइटल कितना प्रेस्टीजियस है, उसकी वजह से एक्चुअली में लोगों का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ। और ये बात तो हम जानते हैं कि जब भी आके मिज को एक सीरियस प्रोमो कट करते हैं तो लोग सुनते हैं क्योंकि उनकी डिलीवरी उस हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया भी है। और उनके अगर कुछ फ्यूड्स की मैं बात करूं यहाँ पे गाइस, तो जैसे कि डीन एम्ब्रोस के साथ और ऑब्वियसली उनके डॉल्फ जिगलर के साथ एक कमाल की फ्यूड हमें देखने को मिली थी जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर मैं एक रिकॉर्ड की बात करूं गाइस, तो 8 बार अपने करियर में मिज बन चुके हैं IC चैंपियन, सिर्फ एक कम है क्रिस जेरिको से जिनके पास 9 रेंज है। अब ऑब्वियसली ये हो सकता है कि मिज फ्यूचर में इस रिकॉर्ड को तोड़ दें जेरिको के, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि उस पॉइंट पे जब मिज ने टाइटल को जीता था वो एक ऐसा टाइम था जब कोई केयर नहीं कर रहा था उस टाइटल के लिए, और मिज ने उसको जीत के ऐसा बना दिया कि भाई इससे ऊपर अब कुछ है भी नहीं। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है बेली और वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की बात, और आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्योंकि ये बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल है। बेली ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनको फायदा हुआ है एक हील टर्न से रीसेंट, अगर हम किसी की भी बात करें। और जब बेली ने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता तो ऑलरेडी गाइस स्मैकडाउन की जो वुमेन्स डिवीजन थी वो बहुत ज्यादा कमाल लगने लगी। ऑब्वियसली उस चीज में साशा बैंक्स का भी काफी हाथ था क्योंकि बहुत टाइम वो बेली के साथ रही थी, उनकी फ्यूड हुई बेली के साथ, लेकिन ओवरऑल जो बेली के कैरेक्टर में डिफरेंस आया उस टाइटल के साथ और पहले अगर हम फेस बेली को उस चीज से कंपेयर करें तो आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है। और अब अगर मुझे कोई बोले कि फेस बेली क्या तुम वापस देखना चाहते हो, तो प्रॉबेबली मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा ये अजीब लगेगा कि क्या इतना अच्छा जो बेली का कैरेक्टर है इसको हम गवा दें सिर्फ इस वजह से ताकि उस कैरेक्टर को हम वापस ला सकें। तो डेफिनेटली गाइस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की जो प्रेस्टीज है वो बेली ने काफी बढ़ा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो कि अगर इस लिस्ट में ना होता तो शायद आप लोग पागल हो जाते कॉमेंट्स में, और वो है जॉन सीना, और मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की। भाई रेसलमेनिया 31 जब हुई थी तब रूसेव से सीना ने टाइटल जीता था, और उससे पहले US चैंपियनशिप केवल ऐसी थी कि रूसेव डोमिनेट करते हैं और वो करते जा रहे हैं, तो टाइटल में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब जॉन सीना ने इस टाइटल को उठाया तो उन्होंने भाई यहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं तो टॉप स्टार हूँ, ये मिड कार्ड का टाइटल मेरे ऊपर क्या कर रहा है, उन्होंने सोचा कि मैं टॉप स्टार हूँ तो जो टाइटल मेरे ऊपर है ये भी टॉप टाइटल माना जाएगा, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप विल बी द नंबर वन टाइटल ऑन मंडे नाइट रॉ। हर हफ्ते आके वो अपना टाइटल डिफेंड करते थे, और जिस तरीके से उन्होंने US ओपन चैलेंज इंट्रोड्यूस करा था अपनी चैंपियनशिप के लिए, हर हफ्ते किसी नए टैलेंट को मौका मिलता था सीना के साथ आके एक मैच लड़ने के लिए, और ऑब्वियसली अगर सीना वहां पे टाइटल हारते भी नहीं गाइस तो एक्चुअली उस सुपरस्टार को लाइमलाइट मिलती थी, जॉन सीना जैसे सुपरस्टार से लड़ने का मौका मिलता था, तो ऑटोमेटिकली जो चैंपियनशिप की वैल्यू है वो बढ़ जाती थी क्योंकि सारे सुपरस्टार जॉन सीना से लड़ रहे हैं। और अगर यहां पे मैं बात करूं तो उनकी रेन गाइस चली थी 147 डेज की, और जबकि ये गिनने में ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज्यादा लंबी रेन है, लेकिन उस पॉइंट पे US चैंपियनशिप को सीना ने जितना रेलिवेंट बनाया है आई डोंट थिंक उसके बाद उस लेवल तक US चैंपियनशिप उठ पाई है। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं गाइस AJ स्टाइल्स, और मैं बात कर रहा हूँ WWE चैंपियनशिप की। स्मैकडाउन एक ऐसा शो था उस पॉइंट पे भी जब AJ स्टाइल्स WWE में आए थे कि हम कह सकते थे हाँ भाई जैसी स्मैकडाउन वैसी ही रॉ है, ऐसा नहीं था कि एक शो बहुत ज्यादा अच्छा और दूसरा बिल्कुल ही बेकार है,
लेकिन एजे स्टाइल्स जब पहली बार WWE चैंपियनशिप जीते डीन एम्ब्रोस को हरा के, उनकी रेंज चली थी अराउंड 140 डेज। वो एक काफी अच्छी रेंज थी, उन्होंने उसमें काफी डोमिनेंस दिखाई। लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने जिंदर महाल से WWE चैंपियनशिप को जीता गाइस, तो ना ही सिर्फ उन्होंने उस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाई, क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, उसको प्रेस्टीजियस दिखाया, लेकिन पूरे स्मैकडाउन का जो है वो हुलिया ही बदल दिया। यानी कि एजे स्टाइल्स और उस WWE चैंपियनशिप को जो भी चेस करता था, एक्चुअली में वो ऐसा लगता था कि एक फिनोमिनल फ्यूड है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक फिनोमिनल चैंपियन थे। तो 371 डेज की उनकी रेन रही थी। जॉन सीना, डीन एम्ब्रोस, समोआ जो, इतने सारे कमाल के उनके अपोनेंट्स रहे उस पॉइंट पे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि उस पॉइंट पे एजे स्टाइल्स ने WWE चैंपियनशिप को डेफिनेटली सेव करा और स्मैकडाउन को एक मस्ट वॉच शो बना दिया था। और नंबर वन की मैं फाइनली बात करूंगा, तो शायद इस चीज को आप ऑलरेडी गेस कर पाए होंगे, और ये है रोमन रेंस। और मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। रोमन रेंस की जो फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन थी, वो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गई थी, क्योंकि उनको ल्यूकीमिया की वजह से जो है उसे रिलिंक्विश करना पड़ गया था। तो अगर हम देखें तो रोमन कभी अपना टाइटल हारे नहीं थे, और जिस तरीके से उन्होंने समर स्लैम 2020 में अपना रिटर्न करा, उस टाइटल को वापस कैप्चर करा, और ऑलरेडी उनको इतने सारे महीने हो गए उस टाइटल को हैंडल करते हुए, अभी तक मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा जरा सा भी कि इस चैंपियनशिप में बोर हो गया हूं। और ये ऑटोमेटिकली चीज प्रूव करती है कि कितने कमाल के तरीके से WWE ने रोमन रेंस को बुक करा है, पॉल हेमन का उसका कितना क्रेडिट है, और ऑब्वियसली रोमन रेंस खुद, जिन्होंने अपने, मतलब मैं कहूंगा पूरा ही सब कुछ चेंज कर दिया अपने अंदर, और बिल्कुल एक नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ऑन स्मैकडाउन। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप से बड़ी चैंपियनशिप फिलहाल कोई फील नहीं हो रही, और रोमन रेंस ऐसा लगता है जब भी अपना टाइटल डिफेंड करेंगे तो जीतेंगे, और वो इसी वजह से गाइस, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग चैंपियन है, उनको उस तरीके से बुक करा जा रहा है। और ये चीज WWE ने आई थिंक सबसे कमाल की साल 2020 के अंदर। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऊपर से एक ऐसा टाइटल है जो शुरू से ही कर्स्ड रहा। दो रेंज यहाँ पे गोल्डबर्ग को मिल गई, जिन्होंने केविन ओवेंस और फिंड जैसे राइजिंग सुपरस्टार्स को हरा दिया। फिन बैलर की अगर हम बात करें तो सारे कर्स्ड काइंड ऑफ चैंपियनशिप रेंज थी, लेकिन अब फाइनली जाके इस चैंपियनशिप की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली रोमन रेंज को भी काफी हद तक जाता है। तो गाइस ये थी आज की टॉप 10 लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, और जैसा कि मैंने कहा अगर कोई नाम रह गया आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।